नमस्कार, मैं सैफ जाफरी हूं, आप रविशिज्म देख रहे हैं। 26 जनवरी को तय समय से पहले सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और अन्य स्थानों से किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होती है। कई जगह ट्रैक्टर रैली में शामिल भीड़ ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली पुलिस और किसानों द्वारा निर्धारित किए गए रास्ते की जगह दूसरे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तभी हजारों प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग ट्रैक्टर परेड से अलग होकर लाल किले पर पहुंच जाता है। फिर वहां से ऐसी वीडियोज आती हैं जो गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार कर देती हैं। अराजक तत्व पुलिस पर हमला करते हैं। लाल किले के बराबर में सूखी हुई नहर में कूदकर पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हैं, ये इन वीडियो से पता चलता है। भीड़ लाल किले के अंदर घुसकर निशान साहिब और किसानों के झंडे को फहरा देती है और वहां से अपने सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति लाइव आता है। नाम था दीप सिद्धू। जी हाँ, वही दीप सिद्धू जिस पर हिंसा भड़काने का आरोप किसान संगठन लगा रहे हैं, किसान नेता लगा रहे हैं। बस फिर क्या था, इस प्रकरण के बाद गोदी मीडिया को संजीवनी मिल गई। गोदी मीडिया के पत्रकार ऐसे चिल्लाने लगे जैसे राजधानी में किसान नहीं बल्कि आतंकी घुस आए हों। जिस मीडिया के कैमरे को आंदोलन के दौरान 160 से ज्यादा किसानों की लाशें नहीं दिखी, उस मीडिया को निशान साहिब के झंडे में खालिस्तान का झंडा नजर आने लगा। टीआरपी बटोरने और किसान को बदनाम करने की जल्दी में वो ये भूल गए कि युवा ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी काबिल सच्चाई में राजा हरिश्चंद और विचारों से गांधी 18 घंटे काम करते हुए पेट्रोल 30 रुपये लीटर, डीजल 25 रुपये लीटर और रसोई गैस उसको तो पूछिए मत 100 रुपये सिलेंडर करने वाले साहब भी निशान साहिब के इस चिन्ह वाली पगड़ी को कई बार पहन चुके हैं। शायद इन तस्वीरों को पता नहीं, इस चीन को आर्मी के सिख रेजिमेंट ने चाइना से तनातनी के बीच गलवान घाटी में फहराया था। हालांकि तब वो देशभक्त थे। मीडिया और इसको तिरंगे का अपमान बताया जाने लगा, जबकि किसान आंदोलन में शहीदों को तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा की तस्वीरों को छुपा दिया गया। लेकिन जैसे ही मीडिया को पता लगा कि झंडा फहराने के लिए और उकसाने वाला व्यक्ति दीप सिद्धू है जो बीजेपी से जुड़ा है, तो फौरन गोदी मीडिया से विधवा विलाप बंद हो जाता है। और हम लोग का ये प्रोग्राम है रविशिज्म, ये रोज़ रात में 9 बजे आपको YouTube पर देखने को मिलेगा। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो नीचे चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम निष्पक्ष, स्वतंत्र, साहसिक और सरकार से आपके सवाल पूछती पत्रकारिता करते रहें और आप भी गोदी मीडिया की काली तस्वीरों से बाहर निकल कर देश के लोकतंत्र की साफ और स्वच्छ तस्वीर देखते रहें। एक आप ऐसी तस्वीर पत्रकारिता की देखें कि जिस पत्रकारिता की तस्वीर के अंदर एक विश्लेषण हो, एक स्वतंत्रता हो और हकीकत जो है किसी भी मामले की वह आप तक पहुंचाई जा सके। नमस्कार।